ऑल राइट गाइस, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। अगर आपका आवाज़ और स्क्रीन साफ दिख रहा है तो मुझे बता दें, फिर अपन स्टार्ट करते हैं। सो एनालिसिस शुरू करते हैं। निफ्टी बैंक निफ्टी अपडेट कर देते हैं क्या हुआ है मार्केट में, और इस वीक मार्केट जो कमिंग वीक है उसमें मार्केट कैसे रिएक्ट कर सकता है। उसके पहले आई थिंक आज वीक खत्म हुआ है, इट वॉज फ्राइडे। सो हाउ वॉज द वीक गाइज ऑन द ट्रेडिंग परस्पेक्टिव, नॉट द इन्वेस्टमेंट। आवर ट्रेड सेटअप की बात करो तो आई थिंक 6 to 7% अप है निफ्टी और बैंक निफ्टी ट्रेड सेटअप की बात करें तो। अगर ट्रेडिंग रूम में जो ट्रेड सेटअप हम डिस्कस करते हैं, ऑलमोस्ट लाइक 6 to 7% अप ऑन द कैपिटल विच वी यूज। निफ्टी बैंक निफ्टी डांसिंग ऑन योर ट्यून्स, नॉट माई ट्यून्स। आप कह सकते हो कि मार्केट का नेचर है वेव्स की तरह वो मूव करता है, राइट? अप्स डाउन, अप्स डाउन। सो अगर आप उसे समझ सकते हो तो एक्चुअली वो हमारी ट्यून पे डांस नहीं कर रहा, एक्चुअली हम वो जो करने वाला उसे समझने की कोशिश कर रहे हैं। सो दैट्स द एडवांटेज और एज इन द मार्केट विच वी हैव। थैंक यू फॉर द कमेंट बाय द वे। आई हैव नेवर सीन सच एज इन द लास्ट 14 इयर्स। 14 इयर्स हो गए हैं आपको, आप तो मुझसे भी ज्यादा एक्सपीरियंसड इन द मार्केट में। ऑलराइट, तब तो आपका कमेंट मायने रखा था हमारे लिए। थैंक्स फॉर अप्रिशिएटिंग। सो डिस्कस कर लेते हैं अगले वीक का क्या स्टेटस है। सो निफ्टी बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो देखो, स्ट्रक्चर वाइज और पैटर्न वाइज मार्केट में कुछ बदला नहीं है ऑन दिस टाइम फ्रेम। अभी भी मार्केट की डेस्टिनी यही है जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, 12,103। सो 12,100 के आसपास आपका मार्केट टैग कर देगा। नाउ यहाँ पर फ्लैग या फिर कोई भी करेक्टिव स्ट्रक्चर अगर आता है तो अपन एक शॉर्ट टर्म बाय अटेम्प्ट कर सकते हैं, वो आपको लोअर टाइम फ्रेम पे मिलेगा, राइट? फोरकास्टिंग की बात कर लें तो आई थिंक काफी पुरानी वीक से वही फोरकास्टिंग चल रही है। सो जस्ट लेट मी सी वेयर कैन आई गेट द फोरकास्टिंग, कहाँ डाला है टीम ने। जस्ट अ सेकंड गाइस, आई एम ट्राइंग टू फाइंड द फोरकास्ट फॉर निफ्टी। आई थिंक ये होना चाहिए, राइट? यप, सो 1st of November आई थिंक यही फोरकास्ट है। मार्केट 11,899 के आसपास है और आज कहाँ पर बंद हुआ है, 11,895, ऑलमोस्ट लाइक फ्लैट, राइट? वहीं आसपास हम खड़े, बट फोरकास्टिंग वही है, स्ट्रक्चर वही है। अगर स्ट्रक्चर और पैटर्न की बात करो तो लास्ट वीक का कंसोलिडेशन की डिस्कस किया है, तो आपको इस पिक्चर में कंसोलिडेशन दिख जाएगा, ये जो कि लास्ट वीक का फोरकास्ट है 7 November का, आज है 15, राइट? सो इस कंसोलिडेशन की बात लास्ट फोरकास्टिंग में हुई है। अब इसको रीड कैसे करेंगे, ये जो कंसोलिडेशन आपको दिख रहा है, आई शो यू डेवलप कैसे हो सकता है। देखो इस कंसोलिडेशन के अगर ये फर्स्ट लेग है जो कि ये है, राइट, फॉर द डाउन साइड। सो ये रही आपकी सेकेंड वेव और ये होगी आपकी थर्ड वेव गोइंग डाउन, एंड देन दिस मार्केट कैन गो बैक फॉर द नेक्स्ट न्यू हाई। एक ये पैटर्न यहाँ पे बन सकता है और इसकी एक पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है मार्केट में जिस हिसाब से अभी स्ट्रक्चर दिख रहा है। और एक पॉसिबिलिटी ये है कि व्हाट इफ दिस वाज द एंटायर करेक्शन एंड दिस इज द एक्चुअली न्यू इंपल्स, राइट? सो ये दो पॉसिबिलिटी इस पैटर्न पे यहां पर हम बना सकते हैं। सो ट्रेड कैसे करेंगे, तो वही बात हो गई कि मार्केट तो ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है, सबको पता है। सबको ये पता है कि ऊपर और नीचे जा सकता है, लेकिन सबको ये नहीं पता है कि वो जा कैसे सकता है। वो यही एज होती है मार्केट में कि ये इफ और देन का थॉट प्रोसेस होता है कि इफ मार्केट डज दिस देन दिस इज द पैटर्न एंड दिस इज हाउ आई एम गोइंग टू एग्जीक्यूट द ट्रेड। जो लोग कहते हैं कि मार्केट ऊपर नीचे जाता है वो प्योर गैस है, 50% चांसेस है, 50-50 है, राइट? यहाँ पे 50-50 के सीन नहीं है। अगर आप बात करो तो कई केसेस में मैंने आपको 95% या 90% की एक्यूरेसी भी दी हुई है कि लाइक बैंक निफ्टी का अगर आपको एग्जाम्पल बताओ, लाइक मुझे ढूंढने दो फोरकास्ट, आई थिंक कहाँ पर है, बट एनीवेज आप अगर पुराने वीडियोस चेक करोगे तो मैंने वहां पे आपको लिख कर भी बताया कि 90% चांसेस इस मूव के हैं, राइट? सो वही आपको एज देता है मार्केट में। अगर कोई टीम में लाइक मेरे लिए वो फोटो ढूंढ सके बैंक निफ्टी का तो बहुत अच्छी बात होगी। लेट मी जस्ट चेक दैट, यस आई गॉट दैट। सो यू कैन सी दैट इट्स अ 95% चांस कि आपका ये मूव आ जाएगा। अब इस केस में तो यहाँ पे 50-50 चांस नहीं है, राइट?
यहाँ पे तो 95% चांस है कि आपका मार्केट इस मूव में चला जाएगा, एंड विच एक्चुअली हैपेंड. ओनली 5% चांस थे कि मार्केट लेट से कि यहाँ पे कंसोलिडेशन नहीं करता एंड इट डज दैट. सो ये एज होती है मार्केट में, प्रोबेबिलिटी जो जितनी ज्यादा अपने फेवर में हो जाएगी उतना अच्छा. तो सेम थिंग यहाँ पर, किसकी कितनी पॉसिबिलिटी है. देखो मैं आपको यहाँ पे एक बाय जोन दे रहा हूं, आप उस पर फोकस करो. अगर ये मार्केट को ऊपर जाना है तो यहां पर जो लोग बाय करेंगे वो एडवांस ट्रेडर होंगे, जो लोग वेव ट्रेडिंग को या फिर किसी और स्ट्रक्चर को ज्यादा अच्छे से समझ सकते हैं. आप लोग यहाँ पे बाय अटेम्प्ट देख सकते हो, राइट. जो लोग अभी नए हैं, बिगिनर हैं, आई वुड से कि आप मार्केट के इस जोन में आने का वेट कर लो. जैसे ही आपका ये मार्केट इस जोन के आसपास ट्रेड करता है, सो लेट से कि आपका मार्केट ट्रेड करता हुआ ऐसा करता हुआ आपका यहां पर आ जाता है, राइट. इस केस में जो मैं आपको एक नया पैटर्न बता रहा था यहाँ पे डाउन साइड की, आप 80% चांस मानो कि वो पैटर्न निगेट होता है और अब 80% चांसेस हैं आपके यहां से एक नया हाई टैग करने के. सो बिगिनर्स के लिए एक सेफ अटेम्प्ट और कंजर्वेटिव अप्रोच मार्केट को ट्रेड करने की ये रहेगी कि मार्केट के ये ट्रेंड को तोड़ने दो. ये बाय जोन है, इसको रेजिस्टेंस की तरह ट्रीट मत करना. जनरली यहाँ पे रेजिस्टेंस होते हैं, लाइक लोग बताते हैं कि यहाँ पे ट्रेंड लाइन आ रही तो यहाँ रेजिस्टेंस होता है. ना, एक बार आपका मार्केट उस बाय जोन में आ जाए, इस ट्रेडिंग जोन के अंदर आ जाए, तो ये रेजिस्टेंस नहीं, ये एक्चुअली पैटर्न को निगेट करता है. और उस केस में यहाँ पे कोई भी फर्दर कंसोलिडेशन मिलता है, आप उसे अपसाइड के लिए ट्रेड कर सकते हैं. विच मीन्स कि अगर यहां पर सपोज करें कोई कंसोलिडेशन नहीं मिलता और डाउन साइड ट्रीट करता रहता है, तो आप यहां कहीं के आसपास सेल सेटअप देख सकते हैं. लेकिन उस सेल की प्रॉब्लम क्या है, उस सेल की प्रॉब्लम है कि आपका जो प्रॉफिट या रिवॉर्ड है वो इतना ही बचेगा और उसके बाद हाईली चांसेस हैं कि मार्केट विल मेक अ न्यू हाई. सो इस तरह से पैटर्न इवॉल्व हो सकता है मार्केट में. अगर मार्केट यहां से सीधा नीचे जाता है तो यस, दैट विल बी मेकिंग ए एक्सपेंडिंग फ्लैट इन द मार्केट, एक्सपेंडिंग फ्लैट इन द बिटवीन, राइट. बट यहां पे बॉटम में उसको सेल करने की कोशिश मत करना. अगर सपोज करो मार्केट आपका यहां पे नीचे आता तो उसका जो पुलबैक्स आएंगे तब आप चाहो तो सेल कर सकते हो. सो सेलिंग के लिए अभी नहीं कहूंगा मैं कि आप सेल के लिए बहुत अग्रेसिव मार्केट में अप्रोच करें. सेलिंग के लिए ऑलवेज कंजर्वेटिव अप्रोच करें, क्योंकि इसकी डेस्टिनी आपको ऊपर दिख रही होगी. सो सभी लोग बोलते हैं कि ट्रेंड के साथ ट्रेड करें, ट्रेंड के अगेंस्ट में नहीं. द मोर मनी, अगर मैं आप इस चार्ट को दिखाऊं मैं आपको, कोई भी बच्चा जो अभी लाइक ट्रेडिंग में अभी हाल ही में आया है, वो इजीली बता देगा कि ट्रेंड किधर है और किस साइड ट्रेड करने में ज्यादा बेनिफिट है, राइट. सो अगेंस्ट में अगर ट्रेड करना है तो वो भी कोई बड़ी बात नहीं है, लाइक हम लोग इंट्राडे में डेफिनेटली करते हैं, बट उसके लिए आपका एडवांस होना और लाइक स्ट्रक्चर की आपको पहचान होना बहुत जरूरी है. ऑलराइट, सो डेस्टिनी फॉर द मार्केट, इट्स अपसाइड बाय जोन. ये रहा एक जोन, इसके आसपास अगर आपका मार्केट ट्रेड करता है 80% आपके आपके फेवर में मार्केट आ जाएगा और जो रिमेनिंग पीस है मार्केट का इतना, अगर वो आपके रिस्क टू रिवॉर्ड में फिट बैठता है तो ऑलमोस्ट लाइक 150 पॉइंट्स के रिवॉर्ड है. कोई भी 25-30 पॉइंट का अगर रिस्क मिलता है तो 1:2, 1:4 के आसपास की आपकी वो ट्रेड सेटअप बन सकती है. सो ये ट्रेड सेटअप पे ध्यान दो. निफ्टी इस वीक के लिए NST की तरफ से ये पॉसिबल स्ट्रक्चर बना सकता है. अगर बैंक निफ्टी की बात करें, सो यहां पर देखो एक रेजिस्टेंस हमने यहां पर डिस्कस किया हुआ था कि यहां से एक रेजिस्टेंस ले सकता है या डीपर करेक्शन मार्केट कर सकता है. अनफॉर्चुनेटली जिस हिसाब से पैटर्न मुझे अभी दिख रहा है, ये पैटर्न मुझे कोई भी ऐसा क्लू नहीं दे रहा कि यहां से कोई रेजिस्टेंस या कोई डीप पुल बैक मार्केट आपको दे. विच मीन्स कि यहां पर अब छोटे छोटे जो फ्लैग मिलेंगे वो आपको ट्रेड करना है अप टू दिस 272. ऑलराइट, ये इसकी डेस्टिनी हो जाएगी. इस वीक ये कंफर्म हो चुका है. अगर आपको रिलायंस का स्ट्रक्चर याद हो तो मैं बताता हूं. सो ये देखो यहां पर, सो ये रिलायंस का स्ट्रक्चर देखो. यहां से देखो पॉसिबिलिटीज हैं कि यहां पे कंसोलिडेशन आ सकता है, पर देखो यहां पे अपना मार्केट ऊपर आ चुका है और उसके बाद जो सारी पॉसिबिलिटी है वो सारी खत्म हो गई हैं डीपर करेक्शन की. सो ये जो सेम स्ट्रक्चर आपका बैंक निफ्टी यहाँ खड़ा, लाइक बैंक निफ्टी यहां पर खड़ा हुआ है, अगर स्ट्रक्चर और पैटर्न वाइज बात करो तो, विच मीन्स कि इतना मूव अभी बाकी होगा, राइट. वो 272 तो वहां पे सिर्फ पॉसिबिलिटी है, पर इसका मतलब ये थोड़ी कि उसके ऊपर नहीं जा सकता, राइट. डेफिनेटली जा सकता है. क्या रिलायंस को रिपीट नहीं किया जा सकता है यहां पर?
डेफिनेटली किया जा सकता है, बट यस एज ए ट्रेडर हमने ध्यान देना कि कहां पर पुलबैक्स आ सकते हैं, कहां पर डीपर करेक्शन आ सकते हैं, क्योंकि डीपर करेक्शन वो एक्चुअली आपको अलाउ करते हैं। जैसे याद हो तो रिलायंस पे वापस चलना पड़ेगा, रिलायंस पे जाते हैं। सो रिलायंस के अगर फोरकास्ट अगर आपको याद हो, ट्रेडिंग रूम में हम लोग डिस्कस कर रहे थे बॉटम में बाय करने को, राइट, रिमेम्बर। बट उसके बाद जब मार्केट यहां पर आया तो इस डीपर करेक्शन की मैं बात कर रहा था कि अगर ये डीपर करेक्शन आता है तो वो सभी लोगों को, आप लोगों को भी पब्लिकली अलाउ करेगा कि वो आपके डायरेक्शन में मार्केट को मूव कर दे, फर्दर डाउन साइड के लिए मूव कर दे। सो अगर यहां पर भी कोई डीपर करेक्शन आता है तो डेस्टिनी तो यही है, तो यहीं पर जो डीपर करेक्शन आते हैं आप उसके बेसिस पे नेक्स्ट ट्रेड अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हो, बट जो कि नहीं आ रहे हैं, विच मीन्स कि यहां पर आप आपको काफी केयरफुल फ्लैग या छोटे करेक्टिव स्ट्रक्चर ट्रेड करने पड़ेंगे। सेम बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर है। सो कोई भी फ्लैग यहां पर दिखता है, क्योंकि डीपर करेक्शन नहीं आ रहा है, सो बड़ी पोजिशन मत बनाओ अभी बाय सेटअप के लिए, बट ये जो छोटे छोटे यहाँ पे फ्लैग दिख रहे हैं बस इनके बेसिस पे आप ट्रेड कर सकते हो। जब तक आपका मार्केट ये ट्रेंड को मेंटेन कर रहा है तब तक अपसाइड पॉसिबल है, ये 272 टच होना पॉसिबिलिटी है मार्केट में। कितने परसेंट आपके फेवर में चांसेस है? आई वुड से 70%। ऑलराइट, तो ये 70% चांसेस हैं आपके मार्केट में जाने के फॉर द अपसाइड। एज ऑफ नाउ द स्ट्रक्चर एंड द पैटर्न लुक्स लाइक ऑलराइट। एक्सयू मतलब कि गोल्ड, गोल्ड की बात करें तो मैंने आपको बाय सेटअप ढूंढने को बोला था। जैसे ही आप ये ट्रेंड ब्रेक करते हो, मुझे एक्सपेक्टेशन थी कि यहां से आपका ये बाय सेटअप आ जाएगा। ऑलराइट, इन द मीन वाइल क्या हुआ है पैटर्न वाइज? मार्केट ने कभी वो ट्रेंड तोड़ा ही नहीं है। ऑलराइट, फोरकास्टिंग की बात कर ले तो यही फोरकास्टिंग है। जस्ट लेट मी फिगर आउट वेयर कैन आई गेट दैट। 15 नवंबर, गोल्ड, गोल्ड शुड बी हियर, राइट? यस, सो यू कैन सी दैट दिस इज द ट्रेंड एंड ब्रेक ऑफ दिस स्ट्रक्चर, दिस इज द पॉसिबिलिटी विच मार्केट नेवर ब्रोक। अब क्या होता है, अगर यहां से नहीं आया तो पैटर्न वाइज अगर आप देखो तो ये भी अपने आप में एक करेक्टिव स्ट्रक्चर है। मैं आपको एक मिनट बिगर करेक्टिव स्ट्रक्चर दिखा दूं। यस, सो यू हैव दिस इंपल्स, दिस इज योर फर्स्ट वेव डाउन, दिस इज योर सेकंड वेव एंड दिस इज योर थर्ड वेव, विच मीन्स कि अभी भी पॉसिबिलिटी है। अगर इसमें ट्रेड करना है तो एक डाउन साइड भी मुझे दिख रहा है, लेकिन वो लीड करेगा फर्दर अपसाइड के लिए अप टू दिस ट्रेंड लाइन एटलीस्ट, विच मीन्स अगेन नथिंग हैज चेंज्ड, यू शुड लुक फॉर द अपसाइड। गोल्ड में मैं आपको बता दूं इसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है। गोल्ड अगर हुआ तो यहीं से, अगर फर्दर कंसोलिडेशन हुआ तो यहीं से सीधा ट्रेंड लाइन के लिए शूट आउट कर सकता है। सो जो लोग गोल्ड ट्रेड कर रहे हैं वो इस करेक्टिव स्ट्रक्चर पर ध्यान दो, ये पॉसिबिलिटी है पैटर्न वाइज। जो पैटर्न आपको यहां दिख रहा है करेक्टिव स्ट्रक्चर, ये वाला, ये मिलकर डब्ल्यू एक्स वाई से बना है। सो यू आर डब्ल्यू एक्स वाई and W X Y and combined with X wave, so making that as a A B and C structure. So which means it should lead to the next X wave or next impulse wave. So whenever we buy in these kind of scenarios, we expect for the least, and least is the X. So X wave के लिए यहाँ पर trade कर सकते हो, which is your upside. Chart ही change हो गया. Go back to the gold. So as of now in the gold, this is the direction, this is the move. Alright, figure out your risk reward profile and figure out the pullback for the buying perspective. Silver की बात करें तो silver का structure थोड़ा बदला हुआ है। ये जो structure आपको दिख रहा है correction and structure wise तो gold के काफी similar है, लेकिन ये जो scene यहाँ पर हो रहा है दिख रहा है, ये actually silver को allow करता है giving it one more down, but उस down से डरने की जरूरत नहीं है, वो actually reverse back करेगा for the further upside. Again ये या तो एक्स वेव होगी या एक नेक्स्ट इंपल्स होगा। नेक्स्ट इंपल्स होगा तो पॉसिबिलिटी ये होती है, अगर एक्स वेव हुई तो कहीं से भी ट्रेंड लाइन के आसपास से करेक्शन या रिवर्सल दे सकता है। राइट, क्या होगा मार्केट विल टेल अस। सो एज ऑफ नाउ सिल्वर में ये पॉसिबिलिटी है और ये भी पॉसिबिलिटी है। ट्रेडिंग वाइज अगर परस्पेक्टिव की बात करें तो कोई न्यू भी आपको बता देगा कि किस मूव को ट्रेड करना चाहिए। फॉरगेट अबाउट दीज टू, फोकस ऑन हियर। ऑलराइट, सो दैट्स एन सिल्वर एंड गोल्ड फ्रॉम आवर साइड। ऑयल की बात कर लें तो कुछ खास बदला नहीं है, लेकिन जिस हिसाब से यहाँ पे डाटा आ रहा है ये इम्पल्स में कंफर्मेशन बढ़ती जा रही है। ऑलराइट, डेस्टिनी ये रही आपका, यहां तक आपका ऑयल आ जाएगा। स्ट्रक्चर वाइज अगर बात करें तो नेक्स्ट कंसोलिडेशन की एक्सपेक्टेशन हम लोग कर रहे हैं इस जोन के आसपास, वन मोर स्पाइक कंसोलिडेशन और शूट फॉर द नेक्स्ट इम्पल्स।
ये कंसोलिडेशन आता है, इसको इंट्राडे ट्रेड कर सकते हैं, बट बिगर मनी विल मूव फ्रॉम हियर। जो लोग यहां से बाय में हैं वो लोग सिर्फ मेंटेन करें, आपकी जो भी होल्डिंग पॉसिबिलिटी है जितने लंबा आप होल्ड कर सकते हैं वो आप कर सकते हैं। क्योंकि फोरकास्टिंग की बात करें तो काफी पुराना स्ट्रक्चर है, काफी पुरानी फोरकास्टिंग है, आई थिंक 4th अक्टूबर के आसपास से यह स्ट्रक्चर डेवलप हुआ था। सो अभी नवंबर चल रहा है, राइट, हो सका तो दिसंबर तक शायद आपका मार्केट उस स्ट्रक्चर को कंप्लीट करें। राइट, वी आर रीडिंग दिस मार्केट ऑन अ हायर टाइम फ्रेम, 4 आवर टाइम फ्रेम की एक्चुअली एनालिसिस चल रही है। सम केसेस में क्या होता है, अगर आपको याद हो तो ये भी मैंने फोरकास्टिंग दी हुई थी, नेक्स्ट डे आ जाता है। तो ये मार्केट के ये मार्केट डिसाइड करता है मोस्टली कि किस तरह से वो पैटर्न, किस तरह से वो स्ट्रक्चर नेक्स्ट, अगर बायर्स लाइक पागलों की तरह आ रहे हैं ऑयल को बाय करने के लिए तो डेफिनेटली आपका इस तरह से मूव दिख जाएगा, अगर नहीं है स्लो बाइंग हो रही है मार्केट में तो आपको इस तरह के स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेंगे। बट डेस्टिनी इस तरह के मार्केट में यही होती है, क्यों होगी, क्योंकि पैटर्न वाइज मार्केट यही देखा आ रहा है। यू हैव योर इम्पल्स, यू हैव योर करेक्शन, यू हैव योर नेक्स्ट इम्पल्स, राइट, विच विल बी ईदर एक्स वेव। ऑलराइट, सो दैट्स ऑल फ्रॉम अस। अगर एक गिफ्ट स्टॉक की बात करें तो आपको रिलायंस एक्चुअली में वापस याद दिला दूं, क्योंकि वो एक्चुअली खास एक है, मेरे पास आपके लिए कुछ खास है जैसा मैंने आपको रिलायंस में दिया हुआ था। सो ये एक रिलायंस है, अगेन सेम थिंग, ट्रेडिंग रूम में हमने इसको यहां से डिस्कस किया है आपके लिए। मैंने जब यहां पर रिलायंस आया था तो मैंने आपको कहा था कि ये करेक्टिव स्ट्रक्चर ढूंढ लो और नेक्स्ट इम्पल्स को ट्रेड कर लो। राइट, सेम सिनारियो मुझे स्टेट बैंक में दिख रहा है। सो अगेन मैं आपको एक गुड ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी दिखा रहा हूँ, स्टेट बैंक में देख लो, ये डेस्टिनी है। सेम थिंग हम लोग ट्रेडिंग रूम में इसको यहां से डिस्कस कर रहे हैं, स्टेट बैंक इज अपसाइड, स्टेट बैंक इज अपसाइड। इनफैक्ट ये जब डाउन यहां से आ रहा था तब से अपसाइड हमने फोरकास्ट करना स्टार्ट कर दिया था। सो आप लोगों के लिए ये एक अपसाइड यहां पर आ चुका है। अगर मार्केट आपको डीप करेक्शन देता है या डीप पुल बैक्स देता है तो इसको पुल बैक की तरह ट्रीट करना, और ये जो रिमेनिंग मूव बचा हुआ है डोंट फॉरगेट टू टेक एडवांटेज ऑफ दैट। ऑलराइट, वो आ जाएगा, मिस मत कर लेना। यू आर हैविंग अ गुड अपॉर्चुनिटी इन फ्रंट ऑफ यू टू हैव गुड रिटर्न्स आउट ऑफ द मार्केट। क्यों ऐसा बोल रहा हूँ, क्यों ऐसा पैटर्न दिख रहा है, द स्ट्रक्चर एंड द पैटर्न विच यू सी इन फ्रंट ऑफ यू अलाउ दिस मार्केट टू कम अप टू हियर। ऑलराइट, सो उसके बेसिस पे मैं बोल रहा हूँ, जैसे रिलायंस का स्ट्रक्चर था, अगर इसके पीछे के रिलायंस, अगर ये वीडियो आप रिपीट कर लो तो आपको पता चल जाएगा कि क्या स्ट्रक्चर, क्या पैटर्न वहां पे दिख रहा है। सो जो पुराना स्ट्रक्चर है वो उसे अलाउ करता है वो सब करने को, एंड रेस्ट इज द हिस्ट्री, यू नो व्हाट हैज हैपेंड आफ्टर दैट। राइट, सो जिन लोगों ने मिस किया था रिलायंस, मैं नहीं चाहता कि आप नेक्स्ट ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिस कर दो। सो फोकस हियर, जो भी आप यहाँ पे करेक्टिव स्ट्रक्चर है उसे पहचाने, एंड नेक्स्ट ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी यूज इट इन योर फेवर। क्वेश्चंस आ चुके हैं, सारी स्क्रिप्ट मैंने बता दी है, लेट मी सी क्या क्वेश्चंस हैं। क्या चांस यहाँ से जाएगा तो क्या कर सकते हैं, मितेश किसकी बात कर रहे हो? SBI की यहाँ से डेफिनेटली, लाइक अगर ऑलरेडी होल्ड किया हुआ है तो आप उसे होल्ड करें, मैनेज करें, और कुछ उसमें कर नहीं सकते। मैं नए ट्रेडिंग परस्पेक्टिव से बता रहा था कि यहाँ पर अगर कोई डीप करेक्शन आता है तो फिर मिस मत कर देना, ये अगेन सेम आपकी रिलायंस या बैंक निफ्टी जैसी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी होगी। बॉट SBI टूडे फॉर डिलीवरी पर्पज और फ्यूचर ऑप्शन में किया हुआ है नीरज जी। कोटक बैंक चेक कर सकते हैं 1 आवर टाइम फ्रेम में, कर लेता हूँ। फ्यूचर्स में SBI बाय किया, डेफिनेटली, तो ठीक है, अगर बाय किया तो आप एक्सपेक्ट करें कि ये जो इम्पल्स आया हुआ है सीधा अगर चला जाता तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर पता है आपको ये एक ट्रेंड यहाँ पे दिख रहा है, इस पर फोकस करो, क्योंकि जैसे ये ट्रेंड आपका टूटता है, जो रिलायंस ने आपको डीप करेक्शन दी है, जो अपॉर्चुनिटी रिलायंस ने आपको प्रोवाइड करी है, वही आपको एक्चुअली ये अपना स्टेट बैंक आपको प्रोवाइड करेगा। तो उस केस में आपका बाय थोड़ा अर्ली हो जाएगा अगर आज बाय किया है तो। सो आज का जो बाय होगा शॉर्ट टर्म कर सकते हैं, बट यस वी नेवर नो, अगर डीप करेक्शन नहीं आया तो क्या कर लेंगे, राइट, मार्केट है कुछ भी बोल देगा। राइट, यहां पर जैसे मैंने आपको बताया था कि ये करेक्शन का वेट करो, मार्केट होता यहां से सीधा भाग जाता तो क्या कर लेते, राइट। सो उस केस में आपने जो बाय किया है, जस्ट मैनेज दिस ट्रेड वेरी वाइसली, कुछ भी करके उस ट्रेड में लॉस मत कर लेना, क्योंकि बाय किया तो डेफिनेटली डायरेक्शन तो यही है,
रिटेल ट्रेडर की तरह मिस्टेक मत करना कि मेरा डायरेक्शन ठीक था, मेरा एनालिसिस ठीक था, बट मुझे स्टॉप आउट करके मेरे डायरेक्शन में चला गया। कोटक बैंक 1 आवर टाइम फ्रेम चेक कर लेते हैं। किस प्रस्पेक्टिव से आप ये पूछ रहे हैं, लाइक बायर प्रस्पेक्टिव या सेल प्रस्पेक्टिव? प्लीज चेक अदानी पावर एंड इंडिगो। टाइम फ्रेम भी बता देंगे तो ज्यादा ठीक रहेगा, मैं चेक कर लूंगा। आईसीआईसी बैंक में कर लूंगा, मुझे टाइम फ्रेम उस पर बता दें। कोटक बैंक आई थिंक ये स्ट्रक्चर, दे आर ब्रेकिंग दिस स्ट्रक्चर। फर्दर अपसाइड आई थिंक यू विल फाइंड दिस मार्केट टू टैग दिस इन नियर फ्यूचर। तो एक सप्लाई जोन की तरह इसको ट्रीट कर सकते हो। और अगर बाय सेटअप कोई अच्छा दिख रहा है, एक फ्लैग यहां पे दिख रहा है, चाहो तो ट्रेड कर सकते हो। यू विल फाइंड दिस मार्केट ट्रेडिंग अराउंड 1653 इन कमिंग वीक। ऑलराइट, एंड अप ट्रेंड के लिए इस ट्रेंड पे फोकस कर सकते हो। अगर हेल्दी बाय करना है, डीपली बाय करना है, तो फिर पुल बैक का वेट करना पड़ेगा। अगर इंट्राडे कर रहे हो तो डेफिनेटली यहां पे जो फ्लैग्स आपको छोटे छोटे दिख रहे हैं, रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से आप अपना ट्रेड कर सकते हैं। अदानी पावर एंड इंडिगो डेली टाइम फ्रेम। ऑल राइट, अल्ट्राटेक सीमेंट डेली स्ट्रक्चर, वीकली 2 आवर, इसमें एक्यूमुलेशन पैटर्न चल रहा है। इस ट्रेंड पे ध्यान दो और इस ब्रेक पे खास तौर पे ध्यान दो। वंस यू ब्रेक दिस स्ट्रक्चर एंड कंसोलिडेट, ये मिस मत करना, बहुत प्यारी ट्रेड है, ठीक है? डोंट मिस दैट। ये शायद नेक्स्ट वीक या अगले 14 दिनों की ट्रेड है। 14 डेज में आपकी ये मार्केट आपको ये ट्रेड सेटअप दे सकता है। कंडीशंस फॉर ज्वाइनिंग द ट्रेड ये वाली। सो आपकी ट्रेड ये रहेगी, आपकी ट्रेड करने की जो कंडीशंस हैं वो ये रहेगी। ऑलराइट, सो दैट्स इंडिगो फ्रॉम माय साइड। आस्किंग फॉर शॉर्ट, शॉर्ट आप किसके लिए पूछ रहे थे, मुझे ध्यान नहीं। टाटा ग्लोबल 4 आवर्स, यस बैंक, यस बैंक कर लेता हूं। टाइम फ्रेम मुझे बता दो, 30 मिनट्स। ऑलराइट, नेक्स्ट बैच स्टार्टिंग मैंने लास्ट वीक बताया हुआ था, नेक्स्ट बैच स्टार्ट हो रहा है जनवरी में। सो जनवरी में बैच स्टार्ट है, इफ यू आर इंटरेस्टेड यू हैव टू बुक योर सीट। यस बैंक, फिलहाल तो अवॉइड करो। मैंने लास्ट वीक भी शायद यस बैंक का बोला था, ये बहुत अच्छा पैटर्न डेवलप हो रहा है, लेकिन अब ये डेवलपिंग मोड में है। अगर ये पैटर्न कंफर्म होता है ना, तो यहां पर 110 तक के लेवल आने की लाइक पॉसिबिलिटीज बन जाती है। अभी करंट मार्केट प्राइस है 68, और जो पैटर्न कंफर्म होने की कंडीशंस हैं वो इसे अलाउ करती हैं टू द रिट्रेसमेंट फॉर द डाउनसाइड, व्हिच मींस चीपर प्राइस पे अवेलेबल होगा, जो सीधा आपकी कैपिटल, जो इन्वेस्टेड कैपिटल है, वो डबल कर देगा। राइट, बट कन्फर्म होने दो, अभी कन्फर्मेशन नहीं है। इस तरह की कन्फर्मेशन 1 हफ्ता 2 हफ्ते में नहीं आती, कई बार इसको टाइम लगता है। राइट, बट काफी अच्छा पैटर्न यहाँ पे बन रहा है, इन्फॉर्मेशन इसलिए कंफर्म नहीं कर सकता। ऑलराइट गाइस, सो दिस वाज दीप दिस साइड फ्रॉम एनएसटीए। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वेबिनार। थैंक यू सो मच फॉर गाइस फॉर कमिंग इनटू दिस वेबिनार। सो वीकेंड स्टार्ट हो गए, स्पेंड टाइम विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। थैंक यू सो मच, बाय बाय।